फिरोजाबाद में शराब के नशे में दो गुट आपस में भिड़ गए और इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठगोसे चले, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बीच सड़क शराबियों के हाई वोल्टेज ड्रामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो शराब के नशे में धुत था। वहीं अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। घटना थाना उत्तर के गांधी पार्क की है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए कैसे शराबी जो है वो हाई वोल्टेज ड्रामा करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने एक शराबी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जमकर पुलिस के सामने, पुलिस की मौजूदगी में जमकर यहाँ पर लात घूसे चलते रहे। शराब के नशे में दोनों पक्ष यहाँ पर धुत थे, जिसके बाद इन लोगों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। और हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ वहां पर होता रहा। देखिए आप तस्वीरों में, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे जमकर शराब के नशे में दो पक्ष जो है वो आपस में भिड़ गए हैं। शराबियों का हाई वोल्टेज ड्रामा आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। फिरोजाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस के सामने ही जमकर लात घूसे चले हैं। देखिए कैसे एक दूसरे पर धनाधन यहां पर हो रही है। पुलिस हालांकि बीच बचाव करती जरूर यहां पर नजर आ रही है, लेकिन बावजूद इसके ये दोनों लोग एक दूसरे पर लात घूसों की बरसात कर दे रहे हैं। इधर हाथरस में एक युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। घटना सासनी इलाके की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पिट रहा ये युवक नशे का आदी है, जिससे तंग आकर परिजन खुद उसकी पिटाई कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो लोग मारपीट कर रहे हैं, जिसे पिटा जा रहा है वो इसी परिवार का सदस्य बताया जा रहा है। पिटाई का वीडियो अब ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। परिजनों ने ही युवक की पिटाई की है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो युवक है वो नशे का आदी था, जिससे घर इतने परेशान हो गए थे कि अब नौबत यहां तक पहुंच गई। और किसी ने बकायदा इसका वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इधर बुलंदशहर के सियाना के बरौली वासुदेवपुर गांव में दो गुटों के बीच बुगी हटाने को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों गुटों के बीच झगड़ा इस कदर बिगड़ा कि देखते ही देखते झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों गुटों के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ। घरों में भी तोड़फोड़ की गई। गांव में भारी इस वक्त तनाव है। हालात पर काबू पाने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर मिली है, जांच की जा रही है। दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि 3 दिन पहले भी दोनों गुटों के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उस वक्त कार्रवाई की जाती तो शायद ये नौबत न आती। मेरा नहाती का गेट बजाया बहुत बुरी तरह से, ऊपर से पत्थर मारे फेंक के, और मेरी सास का लाश मारी, खेत में घर में सुसालों को मारो ने, और मेरे घर में कोई आदमी ना। बुग्गी ले जाने के लिए दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ था, और इस झगड़े में दो लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस मौके पर है, शांति है, और कोई पुलिस चारों तरफ देख रही है, कोई खास बात नहीं है। बाकी अभियोग पंजीकृत कराए जा रहे हैं। जो भी दोषी इसमें प्रकाश में आ रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। उधर प्रतापगढ़ के गुंडा पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराला ने प्रदेश में गैंगस्टर अपराधियों पर कार्रवाई की बात कही है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार अपराधियों की अवैध कमाई को जब्त कर रही है, और ऐसे में अब तक 266 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, राजा भैया जैसे अपराधियों पर सरकार शिकंजा कस रही है, वहीं भूमाफियाओं पर भी कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार और अतीक अहमद जैसे, राजा भैया जैसे माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। किसी भी माफिया को, किसी भी गुंडे को, अपराधी को कहीं किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।